हेलो गाइस, तो फाइनली आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एटीएम से पैसे निकालकर आप कैसे वहां से भी पैसे को कमा सकते हैं। यहां पे गाइस इंडिया वन एटीएम जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, तो उसमें गाइस यहां पे जैसे ही आप पैसे निकालते हैं उसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलता है और उस पॉइंट्स को आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में रिडीम कर सकते हैं, उससे डायरेक्टली रिचार्ज भी कर सकते हैं। और ये मैं आपको कई बार मैंने कर चुका हूँ और फाइनली इस बार वीडियो बना के बता रहा हूँ। और इस बार गाइस यहाँ पे मैंने रिडीम किया है, वो भी आपको लाइव मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसमें साइंस यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आप जब भी एटीएम पे जाते हैं, तो आप जब पैसे निकालते हैं तो इंडिया वन एटीएम इसमें नॉर्मली हर एक सिटी में बन रहा है और वहाँ पे आप जैसे ही जाते पैसे निकालते हैं, यानी कि 500 रुपये से आप वैसे एटीएम से निकलता ही है, तो आप उसमें जैसे निकालते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल कर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल कर उसका जो भी सिम कार्ड है लाइक एयरटेल, वी, बीएसएनएल जो भी है, उसे सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। उसमें ये भी देखेगा कि आप एटीएम से ऐड भी हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें कुछ रेटिंग होता है जिसे आपको प्रोवाइड करना रहता है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे जैसे ये हो जाता है ना पैसे निकालने के बाद, वो आपको 5 पॉइंट आपके जो मतलब इंडिया वन एटीएम अकाउंट उसमें क्रेडिट कर देता है, आपके नंबर से वो अकाउंट बन जाता है। और वो गाइस यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाता है और एसएमएस भी आ जाता है। तो उसके बाद उसमें जब आप लॉगिन करने जाएंगे ब्राउज़र पे, तो एक ओटीपी आएगा जिसके बाद आप डायरेक्टली उसमें लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपको उसमें सारे पॉइंट्स होता है कि कितना आपके पास पॉइंट है, वहाँ पे रिडीमेशन का भी ऑप्शन रहता है जिसमें आप यूपीआई के थ्रू बैंक अकाउंट डायरेक्टली डाल के उसके थ्रू यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे व्हाट्सएप पे देख सकते हैं कि मेरे को पॉइंट्स मिल गया है, मैंने एटीएम से निकाला तो मैं वही रजिस्ट्रेशन किया। यानी कि एटीएम से पैसे निकालने के बाद आपको कुछ प्रोसेस होता है जिसे उसमें करना पड़ता है, और जैसे आप उसे करते हैं तब आपको 5 पॉइंट्स ये प्रोवाइड करता है। और जो 5 पॉइंट्स है वो आपको एवरी ट्रांजेक्शन मिलेगा, ये नहीं है कि अगर आप ज़्यादा पैसे निकालते हैं तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा। आप एक ट्रांजेक्शन पे 5 पॉइंट अर्न कर सकते हैं और वो आपको वन डे का लिमिट होता है, जिससे गाइस यहाँ पे एवरी डे आपको मिलता है। आप जिस प्रकार से उसमें एटीएम को यूज़ करेंगे उस प्रकार से आपको पॉइंट्स मिलता है। कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि यहाँ पे वेबसाइट पर दी गई है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जैसे एटीएम से पैसे निकालेंगे तो वहाँ पे गाइस आप इसको रजिस्टर करने के बाद, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपके अकाउंट में मिनिमम वैसे 10 रुपये 15 रुपये मिनिमम होना चाहिए आपको विड्रॉ करने के लिए, और वहीं से डायरेक्टली आप अपना रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आप एटीएम से निकालने के बाद उसमें जैसे जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिडीमेशन का ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और अपना नेम सेलेक्ट करके, वहाँ पे जो भी बैंक है उसे सेलेक्ट करके उसमें प्रोसीड करना है। और एक बार बैंक अकाउंट चला डल जाएगा उसमें, तो उसके बाद बार बार अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं, वो इसमें ऑटो सेव हो जाएगा, ऑटो विड्रॉ नहीं होगा। उसमें विड्रॉ करने के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जब भी टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 30 रुपये उसमें विड्रॉ किया गया है, और ये कल ही का ट्रांजेक्शन है, कल ही जब एटीएम से निकला था उसी समय का ट्रांजेक्शन है, और उसके थ्रू विड्रॉ हो सकता है। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कि जब भी एटीएम से पैसे निकालो तब जाके उसे रजिस्टर करो, पॉइंट्स मिले उसे विड्रॉ करो, और मतलब कि सिंपल सा स्टेप है ये। नॉर्मली इंडिया वन एटीएम भी हमें प्रोवाइड करता है और कोई भी एटीएम हमें नहीं प्रोवाइड करता है। ये न्यू में आया है तो इसमें ये फीचर दिया गया है जो कि लोग मोस्टली यूज़ नहीं करते, लेकिन यूज़ करना काफ़ी नेसेसरी है। सुबह से कुछ सब्जी।